हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका अपडेट तुरंत आपको प्राप्त हो। आज हम लोग मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आगे आने वाले एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न आपको देख सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है 12 जुलाई 2023, 13 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 2023। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है इसरो, नासा, CNSA, RFSA। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, मिशन चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है PSLV, LBM-3, GSLV Mark II, LBM-3 M4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, LBM-3 M4। अगला प्रश्न है, इसरो का फुल फॉर्म है? आपके ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सॉफ्टवेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 2018, 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2020, 18 जुलाई 2019। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 2019। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 लैंडर का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है साराभाई, भारत, महावीर, विक्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है आकाश, प्रज्ञान, विक्रम, आदित्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रज्ञान। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 कहाँ लैंड करेगा? आपके ऑप्शन है चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 1 कब भेजा गया था? आपके ऑप्शन है 22 अक्टूबर 2008, 20 अक्टूबर 2009, 18 अक्टूबर 2008, 24 अक्टूबर 2010। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अक्टूबर 2008। अगला प्रश्न है आपका, इसरो का स्थापना कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1967, 15 अगस्त 1968, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1970। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1969। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है? आपके ऑप्शन है साइंस ऑफ द सन, साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द अर्थ, साइंस ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइंस ऑफ द मून। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है खनिजों का अध्ययन, सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? आपके ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। अगला प्रश्न है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ए सोमनाथ, के सीवन, किरण कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से चंद्रयान 3 में क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, ऑर्बिट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्बिट। अगला प्रश्न है आपका,
चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में कितने दिनों का समय लगेगा? आपके ऑप्शन है लगभग 1 महीना, लगभग 2 महीना, लगभग 3 महीना, लगभग 4 महीना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 1 महीना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका अपडेट तुरंत आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।